नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कोई महिला गर्भवती होना चाहती है तो उसे यह समझना जरूरी है कि सेक्स कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर सेक्स करना चाहिए। आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है प्रेग्नेंट होने के लिए महिला के लिए हर महीने एक सप्ताह सबसे खास होता है। इसे पीरियड सर्कल का फर्टाइल विंडो कहा जाता है, जो महिला के ओवुलेशन होने से 2-3 दिन पहले शुरू होता है। और कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसके लिए ये समय सबसे सही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवुलेशन के 5 दिन पहले और उस दिन नियमित रूप से फिजिकल रेशन करने से कंसीव करने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवुलेशन वह प्रक्रिया है जिससे अंडाशय से मैच्योर एग निकलता है। एग रिलीज होने के बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब से नीचे चला जाता है और वहां 12 से 24 घंटे तक रहता है। इस दौरान एग को फर्टिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स करने के 5 दिन बाद तक स्पर्म जिंदा रहता है। ओवुलेशन के दौरान फैलोपियन ट्यूब में जीवित स्पर्म मौजूद होने पर प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऐसे में बच्चा पैदा करने के लिए इस अवधि में सेक्स करना चाहिए। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हर महिला का ओवुलेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसीव करने की उच्चतम दर उन कपल्स में अधिक होती है जो प्रतिदिन या हर दूसरे दिन सेक्स करते हैं। यदि हर दिन सेक्स करना संभव नहीं है तो ओव्यूलेशन के समय के करीब सेक्स करें। अगर किसी महिला के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि उसका ओव्यूलेशन टाइम कब शुरू होता है तो उसे पीरियड खत्म होने के बाद सप्ताह में हर 2-3 दिन सेक्स करना चाहिए। इस दौरान एग के फर्टिलाइजेशन होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि अगर काफ़ी कोशिश के बाद भी प्रेग्नेंट होने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि कंसीव न होने का कारण पता चल सके और उसका इलाज हो सके। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।